हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट वॉइस के। आज बात करेंगे, हाइट वर्क पे ही बात करने वाले हैं। उसमें रेस्क्यू को, अगर कोई भी आदमी हाइट पे काम करते करते अगर लटक जाता है तो उस केस में इसको रेस्क्यू किस तरह से करना है और रेस्क्यू करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, उसको रेस्क्यू करने का क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइट वर्क रेस्क्यू रिसोर्सेस। तो इक्विपमेंट क्या क्या लगेगा जिससे मैं रेस्क्यू करना होगा, तो कौन कौन से इक्विपमेंट की जरूरत पड़ सकती है। पहला है ट्राईपॉड विथ बेंच अरेंजमेंट, ये चाहिए। MEPWP मतलब मोबाइल एलिवेटेड वर्क प्लेटफॉर्म में कोई भी हो सकता है, चेरी पिकर हो सकता है, सीजर लिफ्ट हो सकता है, ये सारी चीज़ें का अरेंजमेंट। होस्ट वहाँ होना चाहिए, सस्पेंडेड वर्क प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्रेन एंड मैन बास्केट का अरेंजमेंट होनी चाहिए, और इनमें से जो भी एप्लीकेबल हो वहां पे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लैडर या रोप लैडर का अरेंजमेंट होनी चाहिए, हॉल रोप सिस्टम जो कि अलग से है जो रेस्क्यूअर टीम बनाते हैं वो होना चाहिए, फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस का अरेंजमेंट होना चाहिए, आर्क फ्लैश सूट होना चाहिए, सेफ्टी नेट का अरेंजमेंट होना चाहिए, फर्स्ट एड बॉक्स होनी चाहिए, फायर ब्लैंकेट, फायर सूट और फायर एक्सटिंग्विशर की भी अरेंजमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट और भी इक्विपमेंट देखेंगे, फेस शील्ड, गम बूट, हैंड ग्लव से होनी चाहिए, एसेंडर और डिसेंडर ये जरूरी है जो कि हॉल लाइन के साथ अटैच रहता है, तो एसेंडर डिसेंडर का होना जरूरी है। टॉर्च लाइट चाहिए, कहीं ऐसे जगह रेस्क्यू करना है जहाँ लाइट नहीं है तो वहाँ पे टॉर्च लाइट चाहिए, सर्च लाइट चाहिए, फॉल अरेस्टर चाहिए, गैस डिटेक्टर चाहिए। कहीं ऐसे जगह रेस्क्यू करना है जहाँ पे कि कन्फाइंड स्पेस टाइप का एरिया है और वहाँ पे पॉइजनस गैस या फ्लेमेबल गैस की एबिलिटी हो सकती है, तो वहाँ पे गैस डिटेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। लाइफ जैकेट चाहिए, पानी वगैरह में अगर करना है तो। फायर टेंडर की जरूरत है, आग उग लगने की संभावना है तो उस केस में। एम्बुलेंस की जरूरत पड़ सकती है इमेडिएट मेडिकल असिस्टेंट लेने के लिए। और सेल्फ कंटेन्ड ब्रीथिंग अपैरेटस जिसको SCBA बोलते हैं, स्कावा, तो उसकी जरूरत पड़ती है जहाँ पे कि उस तरह का प्योर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है, कंटामिनेटेड ऑक्सीजन है वहाँ पे, कंटामिनेटेड एयर है, तो उस केस में वहाँ पे सेल्फ कंटेंट ब्रीथिंग अपैरेटस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं रेस्क्यू रिसोर्स में रेस्क्यू टीम का होना जरूरी है, फायर फाइटर का होना जरूरी है, सिक्योरिटी टीम का होना जरूरी है, HSC पर्सनल का होना जरूरी है, फर्स्ट एडर का होना जरूरी है, डॉक्टर का होना जरूरी है, और एडमिनिस्ट्रेशन का जो आदमी रहते हैं उनका होना जरूरी है ताकि वहाँ पे इमेडिएट कोई भी एक्शन लिया जा सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टूल्स क्या क्या इस्तेमाल होगा रेस्क्यू में। तो स्पेड होना चाहिए, डिगिंग टूल्स होना चाहिए, एक्शन हैमर का इस्तेमाल होता है, क्रोबार्स का इस्तेमाल होता है, क्रोबार्स इस तरह का जो रहता है उसको बोलते हैं, रोप बंडल होना चाहिए, कॉशन टेप रोल होना चाहिए, रेस्क्यू बकेट विद स्लिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अब रेस्क्यू रिसोर्स बाय वर्कमैन कॉन्शियस और पॉसिबल, तो इसमें क्या करना है, इफ सेल्फ कॉन्शियस सेल्फ रेस्क्यू इज नॉट पॉसिबल, पहले तो सेल्फ रेस्क्यू होना चाहिए। सेल्फ रेस्क्यू उस कंडीशन में किया जाता है जब वो कोई लटक जाता है और वो कॉन्शियस है और नियर बाई कोई भी स्ट्रक्चर या नियर बाई कोई भी प्लेटफॉर्म वहाँ पे बगल में है तो उस पे अपने आप से वो आप बचा लेता है, तो वो सेल्फ रेस्क्यू हुआ। अब वो सेल्फ रेस्क्यू नहीं कर पा रहा है, मतलब ऐसे जगह लटक गया है जहाँ पे कि अगल बगल कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है, वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर भी अगल बगल नहीं है, तो उस केस में सेल्फ रेस्क्यू अगर पॉसिबल नहीं है तो असिस्टेड रेस्क्यू का इस्तेमाल वहाँ पे किया, असिस्टेड रेस्क्यू विल बी नीडेड या विल बी प्रोवाइडेड। तो इसमें क्या करेंगे, तो उसके लिए इस तरह का हॉल लाइन देखिए, ये रस्सी जो झूल रहा है हॉल लाइन है, ठीक है। तो द हॉल लाइन विल बी सिक्योर टू एंकर पॉइंट, इसको एक एंकर पॉइंट से कहीं पे ऊपर में बांध देंगे। रेटेड फॉर लिस्ट इसकी जो कैपेसिटी होनी चाहिए कम से कम 3000 LBS का होना चाहिए, मतलब 3000 पाउंड्स का। उसके बाद द हॉल लाइन विल बी लोवर टू द फॉलन वर्कर, जहाँ पे आदमी गिरा हुआ है वहाँ तक है जो हॉल लाइन को लेके जाना है। फिर लाइफ लाइन स्नैप हुक सिक्योर टू द डेरिंग, इसके बाद जो लाइफ लाइन का जो स्नैप हुक है जो हॉलिंग लाइन का, तो उसको है जो डीरिंग के साथ अटैच कर दिया जाएगा यहाँ पे, किसके डीरिंग से, जो लटका हुआ उसके डीरिंग से। फिर कट द लाइन यार्ड, उसके बाद इम्पैक्टेड हार्नेस, तो जो पहले से लटका हुआ आदमी जो हार्नेस को पहने हुए है
उसके ऑलरेडी उसके डी रिंग में स्नैप हुक ऑलरेडी दूसरा फंसा दिया गया जो हॉल लाइन के साथ अटैच है, तो उसको क्या करेंगे, उसको जो हार्नेस पहना उसको वहां से कट कर देंगे, क्योंकि डी रिंग से है तो वो उसका लोड इस पे आ जाएगा। फिर द रेस्क्यू टीम विल रेज और लोअर द फॉलन एम्प्लॉय टू द अप्रोप्रिएट वर्क प्लेटफॉर्म। उसके बाद ऐसा डी रिंग के साथ अटैचमेंट लेने के बाद क्या करेगा रेस्क्यू टीम, जहां भी सुटेबल होगा या तो प्लेटफॉर्म कोई ऊपर में मिल जाता है नियर बाई तो वहां पे उसको लेके जाएंगे, या अगर वैसा पॉसिबल नहीं है तो उसको ग्राउंड पे लेके आएंगे। और उसके बाद आफ्टर रेस्क्यू प्रोवाइड मेडिकल एड एट रिक्वायर्ड इमिडिएटली, तो रेस्क्यू होने के बाद अगर ग्राउंड पे ले लेते हैं तो जितना जल्दी हो सके उसको मेडिकल एड्स देना जरूरी है ताकि इमिडिएट उसकी लाइफ को बचाया जा सके। अब नेक्स्ट देखेंगे कि रेस्क्यू में, अब यहाँ पे दो तरह का, एक सेल्फ रेस्क्यू हुआ एक असिस्टेड रेस्क्यू हुआ। अब यहाँ पे है कि सेल्फ रेस्क्यू फ्रॉम द एरियल लिफ्ट, अब इफ बोथ सेल्फ रेस्क्यू एंड द असिस्टेड रेस्क्यू आर नॉट ऑप्शन, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं है, सेल्फ रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, असिस्टेड रेस्क्यू नहीं कर पा रहे हैं, देन वहां पे ए फुल्ली असिस्टेड रेस्क्यू नेसेसरी, तो वहां फुल्ली असिस्टेड रेस्क्यू करना पड़ेगा। और उसमें क्या करना पड़ेगा, ए रेस्क्यूअर विल गेट इनटू ए एरियल लिफ्ट एंड ब्राउट इनटू पोजीशन, तो इसमें जो रेस्क्यूअर रहेगा वो एरियल लिफ्ट में जाएगा और उसके पोजीशन को करेगा, मतलब जहां पे लटका हुआ आदमी है वहां तक उसको पोजीशन करेगा। नेक्स्ट अटैच द सेकेंड लैनियर टू सेल्फ प्रोटेक्टिंग लाइफ लाइन इन द एरियल लिफ्ट टू द फॉलन वर्कर, तो ये यहाँ पे करना पड़ेगा। वहां पे जाने के बाद जो सेकेंड लैनयार्ड है उसको अटैच करेगा सेल्फ प्रोटेक्टिव लाइफ लाइन से एंड जो कि एरियल लिफ्ट में है। नेक्स्ट क्या करेगा, डिस्कनेक्ट द इम्पैक्टेड फॉल डस्टर इक्विपमेंट, और जो जिसके थ्रू लटका हुआ तो उसके लैनयार्ड को वहां पे कट कर देगा, डिस्कनेक्ट कर देगा फ्रॉम द सिक्योर्ड वर्कर, लोअर द वर्कर टू द ग्राउंड एंड प्रोवाइड मेडिकल अटेंशन, यहाँ पे भी वही काम करना पड़ेगा, फिर से वर्कर को ग्राउंड पे लेके आना है और उसको जितना जल्दी हो सकता है उसको मेडिकल अटेंशन देना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि लैडर रेस्क्यू में क्या करना पड़ेगा, अगर कहीं ऐसा अरेंजमेंट है जहाँ की लैडर से किया जा सकता है तो सेटअप द अप्रोप्रिएट लैडर टू रीच द फॉलन वर्कर्स, तो लैडर को इस तरह से अटैच करना है, इस तरह से सेटअप करना है कि जहां पे वर्कर गिरे हुए हैं या लटका हुआ वहां तक वो जा सके। नेक्स्ट इफ द फॉलन वर्कर इज सस्पेंडेड डायरेक्टेड फ्रॉम ए लैनयार्ड, अगर वो जो लटका हुआ जो आदमी है वो लैनयार्ड से डायरेक्ट है जो सस्पेंडेड है, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, सिक्योर अटैच ए सेपरेट लोअरिंग लाइन टू द हार्नेस, तो वहां पे अलग से एक है जो लाइन उसको सेपरेट है जो अटैच करना पड़ेगा और जिससे लटका हुआ उसको कट करना पड़ेगा। रेस्क्यूअर लोअर द फॉलन वर्कर ऑन ग्राउंड, उसके बाद उसको ग्राउंड पे लेके आना है। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, टू रेस्क्यूअर मे बी नीडेड इफ द फॉलन वर्कर इज नॉट कॉन्शियस, अब यहाँ पे एक जरूरी चीज क्या है कि अगर जो लटका हुआ आदमी वो कॉन्शियस नहीं है, बेहोश हालत में है, तो उस केस में वहां पे दो रेस्क्यू टीम को लेके जाना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा कि रेस्क्यू के कंडीशन में, इमरजेंसी केसेस में अगर कोई भी आदमी लटक जाता है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से उसको रेस्क्यू करना चाहिए, रेस्क्यू का टाइप्स क्या क्या होता है, इसके बारे में आपने जाना। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।